बड़ी खबर रायपुर से निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर रायपुर से, एयरपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने पवन खेरा को रोका है। एयरपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने पवन खेरा को रोका है। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी के पिता पर दिए गए बयान को लेकर हुए एफआईआर पर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है और एयरपोर्ट में खेरा को रोक लिया गया है। रायपुर आने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे पवन खेरा, जहां पर पुलिस के द्वारा उन्हें रोका गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता धरने पर, एयरपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने पवन खेड़ा को रोका है और कांग्रेस के दिग्गज नेता धरने पर बैठ चुके हैं। पीएम मोदी के पिता पर दिए बयान को लेकर हुए एफआईआर के बाद पुलिस की कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि पवन खेड़ा रायपुर आने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे और दिल्ली एयरपोर्ट पर कांग्रेस के नेता धरने पर बैठ गए हैं। और 24 तारीख को रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन होना है, जिसमें शामिल होने के लिए पवन खेड़ा रायपुर आ रहे थे और दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट पर ही उन्हें रोक लिया। पीएम मोदी के पिता पर दिए गए बयान को लेकर हुए एफआईआर के बाद ये पुलिस की कार्रवाई। जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, ऐसे तमामों लोग इस फ्लाइट में जा रहे थे। ये फ्लाइट कांग्रेस महाधिवेशन, जो 85वां कांग्रेस महाधिवेशन हो रहा है, वहां के लिए अग्रसर थी। जब हम लोग चलने वाले थे तभी पता चला कि पवन खेड़ा जी को ये कहकर उतारा गया कि आपके बैग का कुछ एक्सचेंज हो गया, जबकि उनका कोई चेक इन बैग भी नहीं था। नीचे आने पर उनको बताया गया कि उनको डीप्लेन किया गया है और ये सीआईएसएफ के कोई डीएसपी आएंगे, उनको कोई नोटिस सर्व करेंगे। ये मनमानी तानाशाही नहीं तो और क्या है? क्या आप लोगों को फ्लाइट करने से रोकेंगे? कांग्रेस के महाधिवेशन में शामिल होने के लिए पवन खेड़ा रायपुर आने वाले थे, उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट में रोक दिया गया है और कांग्रेस का अधिवेशन 24 तारीख से 26 तक चलने वाला है। रायपुर आने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे पवन खेड़ा, जहां पर उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर पुलिस के द्वारा रोक लिया गया है। और सीधा रुख कर लेते हैं हमारे न्यूज एडिटर मोहन तिवारी की ओर, जो रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मोहन, पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है, पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही, क्या कुछ इस अपडेट है इस खबर पर और क्या अब तक के पवन खेड़ा एयरपोर्ट में मौजूद हैं? देखिए, अब से कुछ देर बाद पवन खेड़ा और जो कांग्रेस के डेलीगेशन है उसको छत्तीसगढ़ पहुंच जाना था, लेकिन जो स्थितियां दिल्ली एयरपोर्ट में बनी हुई हैं उसकी वजह से पवन खेड़ा के साथ जो कांग्रेस के बड़े नेता, जो कि करीब 1:30 बजे की फ्लाइट से छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले थे, वो नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि वहां पर स्थितियां बिगड़ी हुई है। लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं वो धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। उनका आरोप है कि पवन खेड़ा को, जो कि कम्युनिकेशन कांग्रेस विभाग के अध्यक्ष हैं, उनको गलत तरीके से रोका गया है और उन पर एक तरीके से दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है, जो कि केंद्र सरकार की, मोदी सरकार के द्वारा उठाया गया कदम है। तो इस बात को लेकर अभी भी एयरपोर्ट में जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि जिन कांग्रेस नेताओं को अब से कुछ देर बाद छत्तीसगढ़ पहुंच जाना था, उनका आना डिले हो सकता है। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग प्रदेशों से जो आने वाले कांग्रेस के नेता हैं,
वो उनका आने का सिलसिला जारी है। लेकिन जो दिल्ली से वेणुगोपाल जो कि प्रभारी महामंत्री है उनके साथ पवन खेरा, प्रवक्ताओं की एक फौज, कई लोग जो आने थे वो शायद नहीं आ पाएंगे क्योंकि अभी भी प्रदर्शन की स्थितियां वहां बनी हुई हैं। लगातार विरोध इस बात का जताया जा रहा है कि पवन खेरा को क्यों रोका गया है। बताया ये जा रहा है कि पवन खेरा को इसलिए रोका गया है कि क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री है उनके पिता के बारे में टिप्पणी की थी, उसको लेकर एक FIR दर्ज है। उस FIR के संबंध में एक नोटिस जो है वो सर्व किया जाना पवन खेरा को जरूरी था क्योंकि छत्तीसगढ़ आ जाते और छत्तीसगढ़ आ जाते तो शायद वो नोटिस उनको सर्व नहीं हो पाती, इसीलिए उनको एयरपोर्ट में ही रोककर ये नोटिस देने का फैसला जो है वो लिया गया था। इसीलिए CRPF की ओर से जो अधिकारी थे वो कराए थे, लेकिन इस दौरान उनका जो ट्रेन है वो डिले हो गया और दूसरे ट्रेन को जाना था। इसी बात का विरोध जो है जताया जा रहा था। मोहन, क्या छत्तीसगढ़ की कांग्रेस क्या अब इस विषय को लेकर भी कोई बड़ी रणनीति बना सकती है? देखिए, क्योंकि यह राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है और छत्तीसगढ़ में क्योंकि महाधिवेशन है तो सारे बड़े नेता राष्ट्रीय स्तर के वो छत्तीसगढ़ में मौजूद रहेंगे, इसलिए ये मुद्दा यहीं से गर्म होगा। छत्तीसगढ़ कदम उठाएंगे संभावना कम है, लेकिन दिल्ली में स्तर के जो केंद्रीय नेता है वो सारे लोग यहाँ पहुंच जाएंगे तो यहाँ से कई लोग सामने आएंगे, सामने मिलेंगे और ऐसा लगता है कि पूरे मामले में राजनीति और गर्मा सकती है। जी मोहन, एक बड़ी कार्रवाई पवन खेड़ा के ऊपर की गई है और तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर कांग्रेस के महाधिवेशन में आने के लिए निकले पवन खेड़ा पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है, पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया है और